कैबिन फ्लू। ये मेरे पास लगभग 15-20 दिन से शॉर्ट चल रहा है। पैसे की कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे की, दवाई तो मिलनी चाहिए। यहाँ पे एम्बुलेंस को जो पेशेंट को लेकर पहुंची हुई है, लगातार यहाँ पे वेटिंग चल रहा है। आप कोरोना की दूसरी लहर के कहर से कराह रहा है पूरा देश। कोरोना से सिर्फ लोग बीमार नहीं हुए हैं, पूरा सिस्टम बीमार हो गया है। भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने वालों के दावों की हकीकत यह है कि सारी व्यवस्था ही वेंटिलेटर पर चली गई है। अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कोरोना की दवाओं का संकट हो गया है। मेडिकल स्टोर पर रेमडेसिविर नहीं है, फैबी फ्लू आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, जहां के मेडिकल स्टोर से वो दवाएं गायब हैं जिन्हें डॉक्टर अपनी पर्ची में लिख रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन का तो पूरे देश में ही टोटा चल रहा है, लेकिन बुखार कम करने के लिए दी जाने वाली दवा फैबी फ्लू कहीं खोजे नहीं मिल रही है। फैबी फ्लू लेने के लिए आए हैं, नहीं है आपके पास? जी नहीं, ये मेरे पास लगभग 15-20 दिन से शॉर्ट चल रहा है। और ये इसके सॉल्ट में जो फैबी पिरामिड में है, इसमें कोई सा भी ब्रांड उपलब्ध नहीं है, मार्केट में नहीं है, कहीं भी नहीं है। टोटल 100-150 पेशेंट डेली का पर्चा ऐसा होता है इनका जो नहीं मिल पा रहा है, जिसको फैबी फ्लू नहीं दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, यहाँ पे सप्लाई नहीं है फैबी फ्लू। 70 साल के चमन गुप्ता दिल्ली के एम्स के सामने फैबी फ्लू की तलाश में हैं। दिल्ली NCR के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन ये दवा उन्हें नहीं मिल रही है। कौन सी दवाई ढूंढ रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में? फैबी फ्लू। पीत विहार में मेरे जो है दमा जो है एडमिट है वहाँ से, और इधर मेरठ में भी मैंने बोला है, साहिबाबाद में, वहाँ दुकानों पर, ग्रीन पार्क में। आज मैं सुबह से ये पूरी लाइन मार्के मैं फिर इधर ये लाइन लगा रहा हूँ, मुझे कोई मतलब जो है रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है दवाई का। हर्षवर्धन ये कहते हैं कि कोई दवाई कमी नहीं है, आप आज दिन टेलीविजन पर सुनो बैटरी कोई कमी नहीं है, मुझे बैड मुझे पता कैसे मिला ये। राजधानी दिल्ली और NCR में पिछले 3-4 दिनों से मरीजों के परिजन फैबी फ्लू के लिए भटक रहे हैं, ये दवा मार्केट से गायब हो चुकी है। एक दवाई है फैबी फ्लू, जिसकी दुकानों में अब किल्लत होने लगी है, लोगों के पास नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में डॉक्टर्स अपने पेशेंट के लिए ये दवाइयां लिख रहे हैं फैबी फ्लू, लेकिन ये दवाई अब अवेलेबल नहीं हो पा रही है। सर आपके पास फैबी फ्लू अवेलेबल है? सर मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं, हमारे क्या करेंगे हम? वजह क्या? वजह पीछे से शॉर्टेज है, डिमांड ज्यादा है, डिमांड सप्लाई का रूल है, पेशेंट इतने सारे हो गए हैं, डॉक्टरों को नहीं मिल पा रही है अंदर जितने डॉक्टर हैं सब। तो आखिर कहां जा रही हैं कोरोना की ये दवाएं? कहीं रेमडेसिविर और फैबी फ्लू जैसी दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही है? ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के पूर्व महासचिव तो अस्पतालों को ही आरोपों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो सरकार को एक नीति बनानी चाहिए, जैसे कि बाकी कई डेवलप कंट्रियों में है, कि सरकार ये तय करे कि अगर ऐसी दवाओं का निर्माण अगर हो रहा है और अगर महामारी का प्रकोप कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो कम से कम उसकी जो लागत है वो लागत की वापसी जरूर होनी चाहिए, चाहे वो दवा निर्माता को हो या अगर दवा व्यवसायी का भी अगर उसमें लागत का नुकसान हो रहा है तो उसको भी इसका रिइंबर्समेंट होना चाहिए। बात सिर्फ रेमडेसिविर और फैबी फ्लू की ही नहीं हो रही है, कोरोना के इलाज में दी जा रही ज्यादातर दवाएं मेडिकल स्टोर से गायब चल रही हैं। दवाएं मेडिकल स्टोर पर आती हैं और कुछ ही घंटों में हवा हो जाती हैं। आइवरमेक्टिन वो अभी खत्म हो गई है, कभी खत्म हो रही है, आ जा रही है, फिर खत्म हो जाती है, आते ही खत्म हो जाती है, इसकी ज्यादा डिमांड हो गई है। मतलब रोज डेली रूटीन में आ रहा है या फिर लेट से आ रहा है, क्या है? नहीं, डेली रूटीन में शॉर्ट है, पीछे से शॉर्ट है, डिमांड ज्यादा है, आ रहा है, जल्दी खत्म हो जा रहा है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी फैबी फ्लू समेत कोरोना की कई दवाओं के लिए हाहाकार मचा हुआ है। फरीदाबाद के किसी भी मेडिकल स्टोर पर फैबी फ्लू नहीं है। फैबी फ्लू टैबलेट जो है ना, अभी पिछले 4-5 दिन से शॉर्ट है मार्केट में। शॉर्ट क्या है, बेसिकली हमारे पास तो पहुंच नहीं रही, तो और पेशेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, नहीं आ पाई, काफ़ी दिन हो चुके हैं।
कितने दिनों से पहले आई है मतलब आपके पास? नहीं सर, अभी नहीं आई, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो चुका है। अभी तो मार्केट में ये भी नहीं पता आएगी, कितने टाइम में आएगी। ये हाल दिल्ली और NCR का है, जहां कोरोना की दवाएं मेडिकल स्टोर से गायब हो रही हैं, दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, सरकार हवा में हाथ पांव मार रही है, पूरा सिस्टम जैसे धराशायी हो गया है। मिलन शर्मा और अरविंद ओझा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।